पीएम मनमोहन सिंह आज प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम किशनगढ़ में एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो जयपुर मेट्रो के भूमिगत कार्य का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम सोलर पावर प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। कांग्रेस के एक और विधायक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। नागौर की रहने वाली एक महिला ने निम्बेहाड़ा से कांग्रेसी विधायक पर शारीरिक शोषण करने, जबरन गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी विधायक पर केस दर्ज कर लिया गया है। बाबूलाल नागर का इस्तीफा मंजूर किए जाने के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी हो सकती है। सुषमा स्वराज से नरेंद्र मोदी नाराज हो गए हैं। सूत्रों का दावा है कि नरेंद्र मोदी सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा फिर से उठाने पर सुषमा स्वराज से नाराज हैं। उनके मुताबिक ऐसा करने से असल बड़े मुद्दों से भटकाव हो जाएगा। वहीं कांग्रेस ने सुषमा के बयान को अपरिपक्व बताया है। योग गुरु स्वामी रामदेव को लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर रोका गया। रामदेव से यहां कई घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जब रामदेव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने रोके जाने की वजह सोनिया गांधी से पूछे जाने की बात कही है। जयपुर में आज चैंपियंस लीग का मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। मैच में सचिन तेंदुलकर आकर्षण का केंद्र रहेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम एग्रोनॉमिक्स में और मैं हूं आपके साथ विनीता। इस प्रोग्राम से जुड़कर हमारे किसान भाई न सिर्फ खेती के नए तौर तरीकों के बारे में जान सकते हैं बल्कि इसे अपनाकर आर्थिक लाभ भी कमा सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अनार की खेती की और दिखाएंगे कि कैसे एक किसान ने अनार की खेती को अपनाकर न सिर्फ आर्थिक लाभ कमाया बल्कि आज उसकी पहल के चलते जिले के कई दूसरे किसान भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सीकर के रहने वाले धर्मपाल ने पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करने की ठानी। शुरुआती कठिनाइयों की परवाह किए बिना धर्मपाल ने कृषि विभाग की मदद से अनार का उत्पादन शुरू किया और आज के समय में वो अपनी इसी पहल की बदौलत भारी लाभ कमा रहे हैं। मरु के धरती पर लगे ये अनार के पेड़ दिखने में जितने उच्च क्वालिटी के हैं उतने ही स्वादिष्ट भी। सीकर बीकानेर मार्ग पर पुरा की ढाणी के रहने वाले धर्मपाल ने जैविक खेती से इस असंभव काम को सच कर दिखाया है। कुछ अलग करने की चाह में धर्मपाल ने पारंपरिक खेती के साथ नए तकनीक को अपनाकर व्यावसायिक खेती की ओर ध्यान दिया, जिसके चलते आज उनके पास सिंदूरी किस्म के 100 अनार के पेड़ हैं और जिससे हर साल 3000 किलो से ज्यादा अनार का उत्पादन होता है। परंपरागत खेती है, उसको छोड़ के कुछ अलग करने की सोची कि कुछ ऐसा करूं कि जो मेरे साथ वाले किसान है, जो मेरे युवा किसान है, वो भी इस तरफ बढ़ सके और मैं भी इसमें कुछ पैसे कमा सकूं। तो मैंने कृषि अधिकारियों से संपर्क किया सीकर के, उन्होंने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया। उसके बाद में मैंने ये अनार का बगीचा लगाना शुरू किया। पारंपरिक खेती के अलावा कुछ अलग करने की चाह में धर्मपाल ने साल 2009 में सिंदूरी अनार के 425 पेड़ लगाए। बूंद बूंद सिंचाई और जैविक खाद की मदद से धर्मपाल को दो साल में हर पेड़ पर 300 से भी अधिक अनार मिलने शुरू हो गए।
जिसके चलते उन्हें जहां अनार के फल से साल भर में 3 लाख से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ, वहीं जैविक तरीके से तैयार सिंदूरी अनार के पौधों से अलग से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। अपनी इस सफलता से खुश धर्मपाल दूसरे किसानों को भी इस खेती के लिए जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र से पेड़ लगाए थे मैंने 2009 के अंदर, और उसमें 450 पेड़ सबसे पहले लगाए। उसमें मुझे धीरे धीरे इस पेड़ों में उत्पादन शुरू हुआ। 2011 में जब 2 साल के पेड़ हुए तो मैंने उत्पादन लेना शुरू किया। पहली साल जब मुझे 80,000 रुपए का उत्पादन मिला तो मेरा हौसला बढ़ा, तो फिर धीरे धीरे तीसरे साल मुझे 1.5 लाख से ज्यादा उत्पादन हुआ। इस बार अनुमान है कि 3 लाख से 4 लाख तक का उत्पादन हो जाएगा। धर्मपाल की सहायता के चलते आज जिले के दूसरे गांव में भी अनार की खेती की जा रही है। इतना ही नहीं, धर्मपाल ने इंटरनेट और फेसबुक पर भी जैविक तौर तरीके से उगाए गए अनार के पेड़ों की जानकारी डाली है, जिसकी बदौलत विदेशों में भी सिंदूर अनारों का निर्यात किया जाता है। सुशील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीकर, जी मीडिया। और इस वक्त सीधे जयपुर से हमारे साथ डॉक्टर कमल कुमार मीणा, जो कि राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो जुड़े हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जाना चाहेंगे, क्योंकि पहले पारंपरिक तरीके से खेती की जाती थी, लेकिन अब ये जो प्रचलन बढ़ा है पारंपरिक खेती से हटकर अब जैविक तौर तरीकों के जरिए खेती की जा रही है, ये कितना ज्यादा आने वाले दिनों में किसान भाइयों के लिए फायदा पहुंचा सकता है? राजस्थान देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे बड़ा राज्य होने के कारण से काफी जमीन वेस्टलैंड पड़ी हुई रहती है। तो किसान भाइयों को पारंपरिक खेती को छोड़कर जो भी बागवानी फसलें हैं उस तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए राजस्थान की उद्यान विभाग और कृषि विभाग काफी प्रयासरत है। इसके अलावा जो 2 कृषि विश्वविद्यालय है, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, उसके भी उद्यान विभाग के जो वैज्ञानिक है इस पर काफी काम कर रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि वो उद्यान विभाग और कृषि विभाग के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बागवानी फसलों की तरफ अपना बढ़ावा दें और बगीचे लगाएं, जिसके लिए किसान भाइयों को काफी सब्सिडी भी उद्यान विभाग कृषि विभाग द्वारा जारी की जाती है। तो किसान विभाग अपने संबंधित जिले के जो कृषि अधिकारी है, कृषि पर्यवेक्षक है, सहायक कृषि अधिकारी है, उनसे संपर्क करें, और सभी जिलों के अंदर जो कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं वहां पर जो उद्यान विशेषज्ञ रहते हैं उनसे भी वो संपर्क कर बागवानी फसलों की तरफ अपना रुझान बढ़ा सकते हैं, जिसमें बागवानी फसलों में फल बगीचा स्थापना एक महत्वपूर्ण घटक है। फल बगीचा स्थापना में किसान भाई सलाह लेकर उद्यान विशेषज्ञ की मदद से और जितने भी किसानों की जो वेस्टलैंड पड़ी हुई है उसके ऊपर वो अपना फेंसिंग करके खेत के चारों तरफ और उसके अंदर वो बगीचा लगा सकता है। बगीचा लगाने के लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि वर्ष में 2 बार बगीचा लगाया जा सकता है, एक तो फरवरी मार्च में और दूसरा जून जुलाई में। इसके लिए किसान को कुछ प्राथमिक तैयारियां करना जरूरी होता है। इसके लिए किसान भाइयों को यह है कि अगर वो किसान भाई पानी की उसके पास उपलब्धता नहीं है तो वो जून जुलाई में बगीचा लगाने का अपना निर्णय कर सकता है, जिसके लिए किसान भाई मई और जून के 15 जून से बरसात से करीब 15 दिन पूर्व उचित दूरी पर इस पर गहरे गड्ढे खुदवाएं, जिससे कि जमीन के अंदर दीमक या अन्य जो भी जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको तेज धूप से वो मर जाएं, और किसान भाई वो उचित दूरी पर अनार के बगीचे के लिए 3x4 मीटर पर गड्ढे खुदवाकर और गहरे गड्ढे खुदवाकर धूप लगने दें। इससे किसान भाई इसके बाद में प्रति गड्ढा 100 ग्राम एंडोसल्फान पाउडर या दीमकनाशी जो भी पाउडर है वो डालें, और प्रति गड्ढे के अंदर 25 किलोग्राम गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद, मिंगनी की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद जो जैविक खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो डालें। किसान भाइयों को इसके साथ साथ उसके अंदर 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जो कि जड़ जमाव में महत्वपूर्ण उर्वरक है वो भी डालना चाहिए। तो किसान भाई इस तरह इन तीनों का मिक्सर करके और जो धूप लगे हुए गड्ढे हैं उनमें सब मिलाकर और गड्ढों को बरसात आने से पूर्व अच्छी तरह भर देना चाहिए। इसके साथ किसान भाई गड्ढे भरते समय ये ध्यान रखें कि गड्ढे को भरते समय थोड़ा सा करीब 1.5 फीट ऊपर तक भरे, जिससे कि बरसात आने के समय में गड्ढा जो भी वो बैठेगा बरसात के पानी से और उसमें जो भी गड्ढे में खाद उर्वरक इनकी गर्मी वो बाहर निकल जाएगी, और गड्ढा बैठने के बाद करीब ऊपरी सतह से 1.5 फीट तक ही बैठना चाहिए। अगर ज्यादा गड्ढा बैठ जाता है तो किसान भाई और भी मिट्टी या खाद उर्वरक उसमें मिलाकर उस लेवल को 1 फीट तक ही रख सकते हैं।
इसके साथ किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूं कि वो जब भी खेत का रेखांकन करें तो गड्ढा भरते समय एक एक जो भी डंडी है लकड़ी की वो गाड़ दें उस बीज गड्ढे के बीच के अंदर, जिससे कि किसान भाई पौध लगाते समय उचित बिल्कुल एक दिशा में एक दिशा के अंदर पेड़ लग सकेंगे। अच्छा, किसान भाइयों को पेड़ लगाते समय कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। एक तो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं, कभी भी आप वृक्षारोपण करते हैं, फल बगीचा लगाते हैं, तो शाम का समय सबसे उपयुक्त होता है वृक्ष लगाने के लिए। तो जिसके लिए किसान भाई शाम को 4 बजे बाद में जो भी पौधे वो लगाना चाहता है, अनार के पौधे लगाना चाहता है, तो गड्ढों के पास में रख के और जहां वो अपने लकड़ी गाड़ी है या डंडी गाड़ी है उसमें करीब 1-1.5 फीट खुरपीसा चीथर खड्डा खोद के और जो भी पेड़ अपने अनार के लगा रहे हैं उनकी थैली को सावधानी पूर्वक था। एक बात यहाँ पे समझना चाहेंगे, अगर राजस्थान की जलवायु की बात करें और जिस तरीके से अनार की जो फसल की हम बात करें, अनार की जो फल है और भारी तादाद में इसकी मांग है विदेशों में भी, न सिर्फ भारत में, जलवायु के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके की जलवायु होनी चाहिए, मिट्टी किस तरीके का होना चाहिए अनार के फल के लिए? हाँ, राजस्थान के हिसाब से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर अपने किसानों के पास काफी जमीन है लेकिन उनके पास में सुविधाएं नहीं है। तो किसान भाई जो उनकी जो वेस्टलैंड जमीन पड़ी है उसका वो सदुपयोग करके और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और राज्य और देश के आर्थिक विकास में भी विशेष योगदान कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई जलवायु की दृष्टि से वैसे तो महाराष्ट्र और जो आंध्र प्रदेश और जो राज्य है कर्नाटक ये देश के अंदर अग्रणी राज्य है, लेकिन राजस्थान के अंदर भी जलवायु ऐसी है कि जिसमें अपना अनार की खेती काफी अच्छी तरीके से ले सकते हैं, जिसमें कुछ किस्म ऐसी है, फुलेर रखता है, सिंदूरी है, जालौर सीडलेस है, जोधपुर रेड है, तो इन किस्मों का चयन करके किसान भाई अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो बेकार पड़ी भूमि है उसके अंदर अनार की फसल ले सकते हैं, बगीचा लगा सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को यह है कि राजस्थान की जलवायु में जो कि चेंज काफी जो अंतर होता है, क्योंकि सर्दी के दिनों में यहां माइनस तक तापक्रम चला जाता है और गर्मी के समय में 45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, इसके लिए किसान भाइयों को सावधानी रखना जरूरी है। तो किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि जहां भी वो अपना बगीचा लगाता है तो पश्चिमी और उत्तरी दिशा के अंदर, क्योंकि गर्मी में जो लू आती है वो पश्चिमी दिशा से आती है और सर्दी में जो पाला और जो ठंडी हवाएं आते हैं वो उत्तरी दिशा से आती है, तो जिस स्थान पर बगीचा लगाए तो किसान भाई उत्तरी और पश्चिमी दिशा के अंदर शीघ्र बढ़ने वाले पेड़ लगा देना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाई उस बॉर्डर पे करौंदा के पेड़ भी लगा सकते हैं। करौंदा के पेड़ लगाने से छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद भी जारी हमारी ये खास पेशकश, तुरंत लौटते हैं। होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। साधारण वॉशिंग पाउडर से जब आप हो जाते हैं हताश तो आपको चाहिए कोई खास वॉशिंग पाउडर, झलक वॉशिंग पाउडर। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब पचाओ, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ओ फेसबुक किंग, मेरे फोन पे फेसबुक ऑन कर। इसके लिए तो इंटरनेट प्लान लगेगा। ओ हाँ, तो फिर ले लेते हैं, चल आइडिया शोरूम। आगे आइडिया शोरूम बस। अरे 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए इंटरनेट प्लान, वैस टॉक टाइम ऑफर्स, सब कुछ। सनी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, एक्सेप्ट कर लेना। मैं नहीं करना। के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स।
अनार के उत्पादन की सफलता के बाद सरकार भी किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए अब कई अहम योजनाएं चला रही है, जिसके तहत प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं जहां किसानों को अनार के उत्पादन के बारे में अहम जानकारी दी जाती है, साथ ही दूसरी बारीकियों के बारे में भी बताया जाता है। धर्मपाल की सफलता के बाद जिले के दूसरे किसान भी अनार की खेती कर आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। दूसरे फलों के मुकाबले अनार से ज्यादा मुनाफा मिलता है और विदेशों में भी सिंदूरी अनार की भारी मांग है। अब सरकार भी अनार के उत्पादन के लिए विशेष कदम उठा रही है, क्योंकि राजस्थान की जलवायु अनार की खेती के लिए उपयुक्त है। मिट्टी और जलवायु गहरी, चिकनी, बलुई और जलोढ़ मिट्टी इसकी खेती के लिए आदर्श होते हैं। यह चिकनी, बलुई और थोड़ा क्षार युक्त मिट्टी को बर्दाश्त कर सकता है। यह अपेक्षाकृत गरीब मिट्टी पर भी जहां अन्य फल विकसित करने के लिए असफल हो सकते हैं, वहां अच्छी तरह से पल सकते हैं। अनार मध्यम और काली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। इसको नमक का हार्डी फल पौधे के रूप में दर्जा दिया गया है। अनार की खेती के लिए जो सीकर जिला है, इसका वातावरण जो क्लाइमेट बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि अनार की खेती के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर अनुकूल है, जो मिट्टी चाहिए वो मिट्टी बिल्कुल अनुकूल है। सबसे बड़ी बात ये है अनार की खेती में कि अनार की खेती के लिए कृषक को पूरी तकनीकी जानकारी होनी चाहिए और वो उसमें जो भी आवश्यक तौर तरीके हैं, जैसे समय पे खाद देना, समय पे कटाई छटाई करना, निराई गुड़ाई करना, उस पर छिड़काव करना, ये सारी यदि वो समय पे करता है कृषक, तो अनार की खेती से बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सीकर जिले की बात करूँ तो सीकर जिले में पिछले 4-5 सालों में इसका बहुत क्रेज है, विभाग के सहयोग के कारण से और विभिन्न जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण विभाग ने करवाए हैं, जो जागरूकता और जानकारी विभाग ने जिले में फैलाई है, उसकी वजह से एक नहीं बल्कि कई ऐसे काश्तकार हैं जो इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कैसे करें अनार के फल का उत्पादन? सबसे पहले 2-3 बार गहरी जुताई के बाद भूमि को समतल बनाया जाता है, फिर 5 मीटर × 5 मीटर अंतर रखा जाता है और 60 सेंटीमीटर के गड्ढों की खुदाई की जाती है। प्रत्येक गड्ढे की 15 सेंटीमीटर बेसल परत सूखे पत्ते घास से भरा जाता है और उसमें 20-25 किलो खेत यार्ड खाद, कंपोस्ट खाद, 1 किलोग्राम SSP मिट्टी के साथ मिश्रित किया जाता है और गड्ढा पूरी तरह से जमीन के स्तर तक भरा जाता है। बरसात के मौसम में अंकुर गड्ढे में लगाया जाता है और छड़ी द्वारा उसे सहारा दिया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 400 कलम जरूरी है। अनार को बोने के 4 साल के बाद फल आना शुरू हो जाता है और लगभग 20 से 30 साल के लिए जारी रहता है। आमतौर पर रोपण के 10 सालों के बाद आर्थिक उपज प्राप्त की जाती है। फूल को विनियमित करने के लिए सामान्य फूल आने के मौसम से पहले 2 महीनों के लिए पानी रोका जाता है। 2 महीने बाद खाद और उर्वरक डाला जाता है और थोड़ी सी सिंचाई दी जाती है। 3 से 4 दिन बाद सामान्य अंतराल पर भारी सिंचाई दी जाती है, जिसके बाद पेड़ आसानी से नए विकास का निर्माण करके खिलता है और एक अच्छी फसल पैदा होती है। स्वस्थ फलों को ज्यादातर धान पुआल या सूखी घास की गद्दी के साथ 10 से 12 किलो के लकड़ी के बक्से और बांस की टोकरियों में पैक किया जाता है, जिससे फल किसी भी हानि के बिना दूर बाजार के लिए ले जाया जा सकता है। इस पद्धति की मदद से किसान अपने खेतों में अनार का उत्पादन कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं सरकार के साथ दूसरी गैर सरकारी संस्थाएं भी किसानों की मदद के लिए प्रशिक्षण और फलों की मार्केटिंग की सही जानकारी देती हैं। सुशील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीकर, जी मीडिया। तो जयपुर स्टूडियो से लगातार हमारे साथ डॉक्टर कमल कुमार मीणा जुड़े हुए हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के। कमल जी, अब ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर है कम लागत में हमारे जो किसान भाई हैं वो किस तरीके से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, अगर हम अनार के फल की बात करें तो। अनार की खेती लेने से, अनार का बगीचा लगाने से किसान भाइयों को काफी प्रति इकाई क्षेत्रफल उसको मुनाफा हो सकता है, क्योंकि अन्य फसलों के मुकाबले में जो ये बागवानी फसलें हैं और जिसमें विशेष रूप से अनार, जिसका की भाव अभी वर्तमान में 50 रूपये से लेके और 150-200 रूपये किलो तक होता है, तो 4 साल बाद में जब किसान को फल प्राप्त होते हैं तो उसको काफी आमदनी होती है। इसके लिए किसान भाइयों को यह है कि वो नजदीकी जो कृषि अधिकारी है, उद्यान अधिकारी है या कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर वैज्ञानिकों से या कृषि अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी
जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र द्वारा परिवर्तित योजना है जो कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन है। इसके तहत किसान भाई अगर अनार का बगीचा लगाता है तो उसको अनुदान भी दिया जाता है। इसके लिए किसान भाई अपना जो आवेदन पत्र भूमि और पानी की जांच करवाकर और अपने जो भी खेत है उसकी जमाबंदी है और ट्रेस नक्शा है उसको निकलाकर अपना आवेदन पत्र एक सादा कागज पर और एक परफोर्मा है जो कृषि विभाग उद्यान विभाग द्वारा जारी किया जाता है उसको भरकर वो अपना आवेदन कर सकता है और किसान को उसका लाभ मिलता है। इसके लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार लगभग 85% तक अनुदान जारी करती है। किसान भाइयों को इसके साथ साथ मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि जो भी वो अपना नया बगीचा लगाता है अनार का है अमरूद है आम है तो उसके साथ साथ वो अपनी जो ड्रिप बूंद बूंद सिंचाई पद्धति उसको जरूर लगाए क्योंकि किसान के अंदर जो अनार की खेती में सबसे बड़ी जो समस्या है वो उसके फटने की है क्रैकिंग, क्योंकि वो क्रैकिंग राजस्थान की जलवायु राजस्थान में इसलिए आती है कि जो गर्मियों में टेम्परेचर काफी जाता है और सर्दियों में काफी माइनस नीचे चला जाता है और दिन के और रात के तापक्रम में काफी अंतर होता है जिससे कि उसकी ऊपरी परत फट जाती है। तो इसलिए किसान भाई अगर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपने बगीचे में लगाते हैं उस पर भी सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है तो जो क्रैकिंग की समस्या है उससे काफी निजात मिलती है क्योंकि सडन चेंज जो टेम्परेचर में होता है सोयल टेम्परेचर में वो नहीं हो पाएगा क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई लगातार पेड़ को पानी मिलता रहेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों को जो फटने की समस्या है उसके लिए मैं सलाह देना चाहता हूं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है सूक्ष्म तत्व है जैसे कैल्शियम है बोरॉन है कॉपर है इनका समय समय पर दो दो तीन तीन महीने के अंतर पर जब फ्रूटिंग का टाइम हो फलन का समय हो तो किसान भाई 0.2% का स्प्रे साल भर में कम से कम 4 बार स्प्रे जरूर करें जिससे कि फटने की समस्या से किसान भाइयों को निजात मिल सके और उनको होने वाले। कमल जी एक बात यहां जानना चाहेंगे क्योंकि राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ज्यादा बारिश होती है, अगर बात हम झालावाड़ की करें ये ऐसा इलाका है जहां पे काफी ज्यादा बारिश होती है तो अगर बारिश के लिहाज से हम अनार की खेती की बात करें ये कितना ज्यादा उपयुक्त है या फिर जो बारिश वाले इलाके हैं वहां पर क्या संभावना है अनार की खेती को लेकर? बारिश वाले इलाके के अंदर किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि जो वो खेत का चयन करे तो ऐसे खेत का चयन करे जहां पर पानी का भराव नहीं होता हो क्योंकि जो नए पौधे लगाते हैं तो अगर थावले में लगातार पानी भरा रहेगा तो जो भी जो कटिंग है उसके गलने का जो खतरा रहता है वो हो जाता है। तो किसान भाई बारिश जहां अधिक होती है वहां भी अपनी अनार की खेती कर सकते हैं लेकिन इसके लिए जल निकास की उचित व्यवस्था करें और खेत का ढलान ऐसा रखें कि खेत में पानी ज्यादा समय तक या जो भी थावला है गड्ढा उसमें ज्यादा समय तक पानी नहीं रुके। इसलिए किसान भाई उचित जल निकास की व्यवस्था कर करके अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अनार की खेती आसानी से ले सकते हैं। जी कमल जी एक सवाल यहाँ पे ये भी है क्योंकि खासतौर पर अगर हम किसी भी फल या फिर किसी भी पौधे की बात करें वक्त पे उसमें खाद वक्त पे पानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है तो अगर अनार के मामले में बात करें कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है वक्त पे खाद देना पानी देना? खेती बागवानी फसलों के अंदर यह है कि ये बगीचा स्थापना में आरंभिक जो 3 वर्ष होते हैं उस समय तक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि जिस प्रकार से अपन बच्चे का लालन पालन पोषण करते हैं उसी प्रकार से एक बगीचे को किसान अगर अच्छी तरह से बचपन उसकी जो पौध लगाने से लेके और 3-4 साल तक जब तक प्रारंभिक फलन स्टार्ट होता है तब तक उसकी अच्छी तरह देखरेख करता है तो इसमें खाद पानी कीटनाशी कवकनाशी इन दवाइयों का छिड़काव समय समय पर करते रहना चाहिए जिससे कि उसकी जो प्रारंभिक वृद्धि है वो ठीक ढंग से हो सके और पेड़ भी काफी मजबूत हो सके। इसके लिए किसान भाइयों को समय समय पर जो खाद है उचित मात्रा में जो भी खाद का होता है उस हिसाब से प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष के हिसाब से सारणी के अनुसार खाद देते रहना चाहिए जिससे कि पेड़ का विकास हो। इसके साथ साथ किसान भाइयों को मैं ये भी सलाह देना चाहता हूं कि प्रारंभिक वर्ष में जो प्रथम वर्ष के अंदर उसके मुख्य तने को अच्छी तरह बढ़ने दिया जाए फिर उसके बाद में जो साइड की जो ब्रांचेज होती उनको बढ़ने दिए जाना चाहिए फिर द्वितीय वर्ष के अंदर जैसे और बढ़ाव होता है तो उसके अंदर उन ब्रांचों की कटिंग सेटिंग करते रहना चाहिए। इसके अंदर प्रूनिंग जो कि क्रंतन बोलते हैं प्रूनिंग के अंदर किसान भाई जो भी बीमारी ग्रस्त है टेढ़ी मेढ़ी शाखा है उनको सिकेटियर से तेज सिकेटियर से काटते रहना चाहिए और हमेशा किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ में जो भी अपना प्रत्येक पौधा होता है वृक्ष जो पेड़ बनता है अनार का उसको पूर्व से पश्चिम की दिशा के अंदर इस तरह से प्रूनिंग करनी चाहिए कि पूरी जो धूप आती है। एक सवाल ये है क्योंकि अगर अनार की हम बात करें ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी इसकी मांग है भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है तो कैसे किसान भाई जो है हमारे मार्केटिंग के जरिए इसको और कितना ज्यादा डेवलप कर सकते हैं कितना ज्यादा और जो अनार की खेती है इसको बढ़ाया जा सकता है?
किसान भाई जो राजस्थान में जो क्षेत्रफल के सबसे बड़ा राज्य है, तो जो वेस्टलैंड जमीन पड़ी है उसके अंदर वो अपनी खेती को बढ़ा सकता है। इसके लिए किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, एक तो जो किस्मों का चयन करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अनार की किस्में वो सबसे अच्छी मानी गई है जिनका कि लाल रंग का जो एरिल होता है दाना वो लाल रंग का होना चाहिए, दूसरा वो बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट सीडेड जो बोलते हैं एरिल, सॉफ्ट सीडेड जो होता है उसको सबसे ज्यादा मार्केट में पसंद किया जाता है। इसके साथ साथ किसान भाई जो अंदर जो बैक्टीरियल ब्लाइट से जो दाने काले पड़ जाते हैं या जो कुछ फंगस से खराब होते हैं, तो उनके लिए भी जो फ्लावरिंग के समय और फुटिंग के समय में कवकनाशी और कीटनाशियों का छिड़काव करना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया कमल जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो डॉक्टर कमल कुमार मीणा जो कि राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो आज हमने किसान भाइयों को जानकारी दी कि अनार की खेती आप कैसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आप कैसे कमा सकते हैं। फिलहाल एग्रोनॉमिक्स में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। क्या बात है सर जी? सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS XL सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। तो MDH मसालों का कमाल है सर। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। MDH से बना खाना हम बचपन से खाते आ रहे हैं। असली मसाले से MDH। तोते को डैंड्रफ? सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, तोते को हुआ है डैंड्रफ। ये डैंड्रफ वाले तोते का घर क्या है? इस अनोखे तोते के सर पर डैंड्रफ आखिर आया कहाँ से? आइए पूछते हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छट्टी। तंदुरुस्त होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। SSP में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम SSP। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। फाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बेबी मुझे डर लग रहा है, बेबी पुट मी डाउन राइट नाउ। एक बार ही तो बुलाओ रिचार्ज करना बेबी, प्लीज दोबारा नहीं होगा। पहले रिचार्ज करा लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। डिश टीवी का 100 रुपए का टॉप अप इसे यूज कीजिए और पाइए नॉन स्टॉप टीवी प्लस मूवीज ऑन डिमांड के लिए बोनस पॉइंट्स। सर मेरा नाम करण है। मेरी लाली आ गई है। आई रे
करीना और फरदीन का प्यार भरा अंदाज। देखिए सुपरहिट फिल्म खुशी 22 सितंबर रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर।